हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका ट्रू एस्पायर में। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जनरल साइंस के एमसीक्यूज जो कि प्रीवियस ईयर्स में एसएससी द्वारा पूछे गए हैं। तो शुरू करते हैं। द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द इक्वेटर इज लेस देन दैट एट द पोल्स, इज ग्रेटर देन दैट एट द पोल्स, इज इक्वल टू दैट एट द पोल्स, डजंट डिपेंड ऑन अर्थ सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन। का सही आंसर होगा इज लेस देन एट दैट पोल्स। क्यों कम होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, कम क्यों होता है इक्वेटर पे? क्योंकि जो सरफेस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है जो कि रोटेशन की वजह से होता है, उसकी वजह से एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम हो जाती है इक्वेटर पे पोल्स की अपेक्षा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ न्यूक्लियन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, पॉजिट्रॉन। सही आंसर ऑप्शन डी, पॉजिट्रॉन। किसी एटम के न्यूक्लियन में प्रोटॉन या न्यूट्रॉन होते हैं, पॉजिट्रॉन नॉर्मल एटम में प्रेजेंट नहीं होता है, ये प्रोड्यूस किया जाता है रेडियो एक्टिव डिके के दौरान। द मटेरियल यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ लीड पेंसिल इज ग्रेफाइट, लीड, कार्बन, माइका। सही आंसर है ए, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट का यूज करते हैं पेंसिल बनाने के लिए। एंगल ऑफ फ्रिक्शन एंड एंगल ऑफ रिपोज आर इक्वल टू ईच अदर, नॉट इक्वल टू ईच अदर, प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, नन ऑफ द अबव। सही आंसर ऑप्शन ए, इक्वल टू ईच अदर। व्हाट हैपेंस टू अ पर्सन हु रिसीव्स द रॉन्ग टाइप ऑफ ब्लड? ऑल द आर्टरीज कंस्ट्रिक्ट, ऑल द आर्टरीज डायलेट, द आरबीसीज agglutinate, the spleen and lymph nodes deteriorate. सही आंसर ऑप्शन सी, आरबीसी agglutinate। होता क्या है इसमें, एक आरबीसी का जो एंटीबॉडी है जो प्रेजेंट है अभी बॉडी में जो आरबीसी का एंटीबॉडी है वो आरबीसी जो अभी बॉडी में प्रेजेंट है उसका एंटीबॉडी दूसरे आरबीसी के एंटीजेन से जुड़ जाता है, और मतलब कॉमन भाषा में हम कहें तो जो बॉडी है वो एक्सेप्ट नहीं करता है दूसरे टाइप के ब्लड को। इफ ऑल बुलेट्स कुडंट बी रिमूव्ड फ्रॉम गन शॉट इंजरी ऑफ अ मैन, इट मे कॉज पॉइजनिंग बाय मर्क्यूरी, लीड, आयरन, आर्सेनिक। सही आंसर ऑप्शन बी, लीड। अगर जो बुलेट्स उसके बॉडी से नहीं निकाला गया तो लीड की वजह से टॉक्सिनेशन हो जाएगी पूरे बॉडी में और इंसान मर भी सकता है। रिंग वर्म इज अ डैश डिजीज, बैक्टीरियल, प्रोटोजोअन, वायरल, फंगल। सही आंसर है फंगल, ऑप्शन डी, फंगल। पिट्यूटरी ग्लैंड इज सिचुएटेड इन द बेस ऑफ हार्ट, द बेस ऑफ ब्रेन, द नेक, द एब्डोमेन। सही आंसर है द बेस ऑफ ब्रेन। ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है इसे मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। अब इसे क्यों कहते हैं मास्टर ग्लैंड? इसे इसलिए कहते हैं मास्टर ग्लैंड क्योंकि बहुत सारे ऐसे हार्मोनल सिक्रेटिंग ग्लैंड हैं जिन्हें ये कंट्रोल करता है। सैलिवा हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ फैट्स, स्टार्च, प्रोटीन्स, विटामिन। सही आंसर ऑप्शन बी, स्टार्च। क्या होता है सैलिवा जो होता है इसमें होता है एक एंजाइम जो कि है एमिलेज। एमिलेज को हम टियालिन भी कहते हैं। तो जो कॉम्प्लेक्स सुगर है यानी कि जो स्टार्च है, स्टार्च इसे एमिलेज तोड़ देता है सिंपल सुगर्स में, जैसे कि मेल्टोज या फिर डेक्स्ट्रीन। और जब ये सिंपल सुगर्स में टूट जाता है सुगर का डाइजेशन आसान हो जाता है। द लॉन्गेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी इज उल्ना, ह्यूमरस, फीमर, टीबिया। सही आंसर ऑप्शन सी, फीमर। फीमर थाई बोन होता है, फीमर थाई बोन होता है और ये लॉन्गेस्ट बोन है ह्यूमन बॉडी का। द टाइम पीरियड ऑफ अ पेंडुलम व्हेन टेकन टू मून वुड रिमेन द सेम, डिक्रीज, बिकम जीरो, इंक्रीज। तो इसका सही आंसर है इंक्रीजेस।
पेंडुलम का जो टाइम पीरियड होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है ग्रेविटी के, यानी कि ग्रेविटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। और क्योंकि हम जानते हैं कि मून जो है उसका जो ग्रेविटी है, मून की ग्रेविटी वो अर्थ से 6 गुना कम है, तो क्योंकि वहां की ग्रेविटी कम है तो इसीलिए वहां का टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। द फंक्शन ऑफ बॉल बियरिंग्स इन अ व्हील इज टू इंक्रीज फ्रिक्शन, टू कन्वर्ट काइनेटिक फ्रिक्शन इनटू रोलिंग फ्रिक्शन, टू कन्वर्ट स्टैटिक फ्रिक्शन इनटू काइनेटिक फ्रिक्शन जस्ट फॉर कन्वीनियंस। सही आंसर ऑप्शन बी, टू कन्वर्ट काइनेटिक फ्रिक्शन इनटू रोलिंग फ्रिक्शन। शॉक एब्जॉर्बर्स आर यूजुअली मेड ऑफ स्टील एज इट इज नॉट ब्राइटल, हैज लोअर इलास्टिसिटी, हैज हायर इलास्टिसिटी, हैज नो डक्टाइल प्रॉपर्टी। सही आंसर है ऑप्शन सी, हैज हायर इलास्टिसिटी। शॉक एब्जॉर्बर्स क्या होते हैं, तो गाड़ी में शॉक एब्जॉर्बर्स लगे होते हैं जिसकी वजह से जब गाड़ी उबर खाबर रास्तों से जाती है तो जो शॉक होता है वो हमें कम एब्जॉर्ब, मतलब उसे हम कम फील कर सकते हैं और आराम से आ जा सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी यूज एज फ्यूल इन प्रोपेलेंट ऑफ रॉकेट्स, लिक्विड हाइड्रोजन प्लस लिक्विड नाइट्रोजन, लिक्विड ऑक्सीजन प्लस लिक्विड आर्गन, लिक्विड नाइट्रोजन प्लस लिक्विड ऑक्सीजन, लिक्विड हाइड्रोजन प्लस लिक्विड ऑक्सीजन। सही आंसर ऑप्शन डी, लिक्विड हाइड्रोजन प्लस लिक्विड ऑक्सीजन। द एडिशन ऑफ जिप्सम टू पोर्टलैंड सीमेंट हेल्प्स इन इंक्रीजिंग द स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट, रैपिड सेटिंग ऑफ सीमेंट, प्रिवेंटिंग रैपिड सेटिंग ऑफ सीमेंट, रिडक्शन इन द कॉस्ट ऑफ सीमेंट। जिप्सम क्यों ऐड किया जाता है, ऑप्शन सी सही है इसका, यानी प्रिवेंटिंग रैपिड सेटिंग ऑफ सीमेंट। व्हाइट लंग डिजीज इज प्रिविलेंट अमंग द वर्कर्स ऑफ पेपर इंडस्ट्री, सीमेंट इंडस्ट्री, कॉटन इंडस्ट्री, पेस्टिसाइड इंडस्ट्री। सही आंसर ऑप्शन बी, सीमेंट इंडस्ट्री। होता क्या है कि जो सीमेंट इंडस्ट्री है उसमें जो सीमेंट डस्ट उड़ते हैं उसमें एस्बेस्टस होता है और उस एस्बेस्टस की वजह से हम वहां के वर्कर्स को व्हाइट लंग डिजीज हो जाता है, क्योंकि बॉडी में जब इनहेलेशन होती है एस्बेस्टस की तो वहां के वर्कर्स को होता है व्हाइट लंग डिजीज। आयोडोफॉर्म इज यूज्ड एज एन एंटीपायरेटिक, एनल्जेसिक, एंटीसेप्टिक, एनेस्थेटिक। सही आंसर है ऑप्शन सी, एंटीसेप्टिक। आयोडोफॉर्म को हम एक और नाम से जानते हैं, ट्राई आयोडोमीथेन के नाम से, ट्राई आयोडो मीथेन, जो स्किन डिजीजेस होती हैं उनके लिए एंटीसेप्टिक का काम करता है आयोडोफॉर्म। एन आर्टिफिशियल इकोसिस्टम इज रिप्रेजेंटेड बाय पिसिकल्चर टैंक, एग्रीकल्चरल लैंड, जू, एक्वेरियम। सही आंसर ऑप्शन डी, एक्वेरियम। द कंस्टिट्यूएंट ऑफ ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट दैट कैन कॉज कैंसर इज ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, पॉलीसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स, लीड। ऐसा मतलब जो एग्जॉस्ट होता है ऑटोमोबाइल का उसमें वो कौन सा उसका वो कौन सा कॉन्स्टिट्यूएंट है जिसकी वजह से कैंसर होता है, तो वो है लीड, लीड की वजह से होता है कैंसर। द ऑप्टिमम डिजॉल्व ऑक्सीजन लेवल इन मिलीग्राम पर लीटर रिक्वायर्ड फॉर सर्वाइवल ऑफ एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म इज 4 to 6, 2 to 4, 8 to 10, 12 to 16। सही आंसर ऑप्शन ए, 4 to 6, यानी 4 to 6 मिलीग्राम पर लीटर होना चाहिए ऑक्सीजन, तभी वहां एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर सकते हैं। द वर्ल्ड्स ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन मणिपुर, कुआलालंपुर, बिलासपुर, दिसपुर। सही आंसर ऑप्शन ए, मणिपुर। जो वर्ल्ड का ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क है उसका नाम है केबुल लामजाओ नेशनल पार्क। केबुल लामजाओ नेशनल पार्क ये लोकटक लेक पे सिचुएटेड है, लोकटक लेक पे सिचुएटेड है, और ये लोकटक लेक कहाँ है, ये मणिपुर में है। फ्लोटिंग नेशनल पार्क क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ की जो वेजिटेशन है वो पानी पे ऐसे तैरते हुए है। हु इन्वेंटेड वैक्सीनेशन फॉर स्मॉल पॉक्स, सर फ्रेडरिक ग्रांट बेंटिंक, सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, एडवर्ड जेनर, लुईस पाश्चर। सही आंसर ऑप्शन सी, एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर इंग्लिश फिजिशियन और साइंटिस्ट थे, इन्होंने स्मॉल पॉक्स का वैक्सीन इन्वेंट किया था।
ये था हमारा आखिरी सवाल, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।